ऑन न्यूज इज ब्रॉट टू बाय MH होंडा शोरूम ऊना में। ₹1 की डाउन पेमेंट पर खरीदे होंडा के दो पहिया वाहन, हर वाहन पर ₹2500 का एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस करवाने पर गिफ्ट, 5 साल की इंश्योरेंस और 5 साल की वारंटी सिर्फ ₹1 की डाउन पेमेंट में। हर वाहन पर लकी कूपन, विजेताओं को मिलेंगी 5 होंडा अमेज कार, 31 होंडा बियो कार, LCD TV मोबाइल सहित अन्य कई आकर्षक इनाम। हर खरीद के साथ ₹2100 के सुनिश्चित लाभ। सभी स्कीमें 30 नवंबर 2018 तक लागू। CSD की सुविधा भी उपलब्ध। शोरूम में स्कूटर मोटरसाइकिल के सभी मॉडल उपलब्ध। शोरूम रविवार को भी आपके लिए खुला है। हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाले क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में एक बार फिर बड़े स्तर पर कोताही उजागर हुई है। इस बार इमरजेंसी वार्ड या फिर अन्य मेडिकल वार्ड में नहीं बल्कि VIP वार्ड में एक्सपायरी इंजेक्शन और दवाइयां पाई गई हैं। अस्पताल के VIP वार्ड में एक्सपायरी मेडिसिन का मसला जब दिव्य हिमाचल ने उठाया तो अस्पताल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमन शर्मा ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल की मेटन सहित अन्य स्टाफ को तलब किया। बकायदा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने खुद अस्पताल के VIP वार्ड का निरीक्षण किया और पूरे स्टाफ से इस मसले को लेकर बातचीत की। तुरंत ही कार्रवाई करते हुए उन्होंने अस्पताल अधिकारियों को नोटिस जारी कर लिखित तौर पर जवाब भी मांगा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सप्ताह में कम से कम 2 बार VIP वार्ड की साफ सफाई की जाए, साथ ही हर महीने VIP वार्ड में इंजेक्शन सहित अन्य दवाइयों की जाँच की जाए। सर, VIP वार्ड में एक्सपायरी दवाइयों का दवाइयाँ नहीं हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? VIP वार्ड में मैं खुद गया हूँ और चेक की है मेडिसिन। कुछ एक इंजेक्शन जो हैं वो हमें मिले हैं जुलाई 18 के और अगस्त 18 के, और ये बहुत ही गंभीर मामला है और मैंने मैटन को इसके बारे में पूछा है और हम रिटर्न में जो है MS साहब को लिख रहे हैं और वो इसकी इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी सिस्टर इंचार्ज इसको देख रही है वो बच नहीं पाएगी, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ताकि आगे से इस टाइप की कोई जो है कोई गलती ना करे। और दूसरा मैंने ये आदेश दिए हैं कि पूरा ये रूम और सारा रख रखाव जो है इसको डे टू डे पे देखा जाएगा और सारी मेडिसिन भी जो है हफ्ते में कम से कम 2 बार तो चेक की जाएंगी और इसको सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से अनिल पटियाल के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।